Hello guys, what's going on? I hope you all are doing well, and here I am back with another video. And today's video is gonna be little more adventurous क्योंकि आज का जो video है वो है एक trekking video जिसमें मैं आपको मेरे साथ बहुत ही रोमांचक सैर पर लेकर जाने वाली हूँ सैडल पीक के शिखर पर. So without wasting time, let's get right into the video. दोस्तों, सैडल पीक भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है. यह उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क द्वारा घिरा हुआ है. यह पर्वत डिक्रीपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दक्षिण में खड़ा हुआ है एवं अंडमान निकोबार की सबसे लंबी नदी कल्पोंग नदी इसी की ढलानों से आरम्भ होती है. सैडल पीक नेशनल पार्क की स्थापना इन द ईयर 1979 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल लगभग 33 स्क्वायर किलोमीटर है. 732 मीटर एल्टीट्यूड पर बना यह सैडल शिखर द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है. अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. सैडल पीक की ऊंचाई से नीचे के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारना बहुत ही रोमांचित करने वाला अनुभव होता है. दोस्तों, करीब 8 किलोमीटर चढ़ाई करने पर आप पर्वत चोटी की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और पर्वत पर ट्रैकिंग करने के लिए सबसे पहले आपको वन विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है. अब बात आती है कि सैडल पीक नेशनल पार्क पर घूमने या फिर उस पर ट्रैकिंग करने का कौन सा समय सबसे सही होता है. तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अपने भौगोलिक कारणों से इस नेशनल पार्क की जलवायु वैसे सामान्य और पूरे साल भर मौसम अच्छा ही रहता है, लेकिन फिर भी बारिश के मौसम में इस पर ट्रैकिंग ना करें तो भी ज्यादा बेहतर होगा और अक्टूबर से मार्च तक का समय ही ऑलमोस्ट सही रहता है. सैडल पीक उत्तरी अंडमान के दर्शनीय स्थलों में से एक है. पूरा कंप्लीट ट्रैक करने के लिए आपको करीब करीब 6 से 7 घंटे लगेंगे, लेकिन हमें ऑलमोस्ट 10 घंटे लग गए थे. कृपया ट्रैक के लिए अपने साथ पर्याप्त मात्रा में भोजन और पानी ले जाएं, साथ ही साथ ट्रैक के लिए स्थानीय गाइड लेने की सलाह दी जाती है. अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि सैडल पीक नेशनल पार्क आप कैसे पहुँच सकते हैं. अगर आप इसी द्वीप समूह से बिलोंग करते हैं तो आपको पता ही होगा कि डिग्रीपुर आप कैसे पहुँच सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरी वीडियो देखने वालों में अगर कोई ऐसे ऑडियंस है जो इस आइलैंड से बिलोंग नहीं करते हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहले आपको लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर दास सावरकर के नाम पर बने पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर पहुंचना पड़ेगा. एयरपोर्ट का नाम वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. भारत के सभी प्रमुख शहरों और पड़ोसी देशों से यहां नियमित उड़ान आने की प्रबंध है. उसके बाद आप स्थानीय बस या बोट द्वारा डिग्रीपुर तक पहुँच सकते हैं. उसके बाद में आप यहाँ से किसी गाइड की हेल्प से या फिर स्वयं भी सैडल पीक की चढ़ाई आप कर सकते हैं. Oh, my God.
वो दे साइलेंट पिक दिखता है वो दे टॉप माय गॉड चली गई चली जाएगी जाओ 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 सिंदूर नाला नहीं है क्या
वही है क्या? फिर माया बंदर वाला कैसे है? वही है। नाली बहुत मजा आया मेरे को, एक डुबकी लगाने से अच्छा था लगता।
वेल दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टुडे दोस्तों, हमारा जो सैडल पिक का ट्रेकिंग वीडियो है ये हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा। इफ यू एंजॉयड माय वीडियो एंड वांट टू हियर फ्रॉम मी अगेन, बी श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिफोर यू गो। और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताइए।